कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए और आम नागरिक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन गंभीरता से करें, इसके तहत मंगलवार को गया नगर निगम नगर सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे दिन नगर निगम की वार्ड संख्या 50 व 51 में मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, क्षेत्रीय विधायक अवधेश कुमार सिंह, स्थानीय पार्षद मनोज कुमार, पार्षद वीणा देवी के नेतृत्व में घर घर घूमकर 4 मास्क व साबुन का वितरण किया गया। इस दौरान सभी क्षेत्रों के सभी घरों को सैनिटाइजेशन व माउंटेन फिटेड फॉगिंग का काम कराया गया। इस दौरान मौके पर आम नागरिक को संबोधित करते हुए मेयर गणेश पासवान ने कहा कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए हमें सरकार के नियम की सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि तभी इस संक्रमण को 100% रोका जा सकता है। वहीं डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि लगातार बढ़ते कोरोना से आम नागरिक को बचाने के लिए नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो 7 अगस्त तक चलता रहेगा। अभियान के दौरान सभी घरों को 4 मास्क दिया जा रहा है, ताकि लोग जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। आज दूसरा दिन है, क्यों जी? अच्छा, तू बोला था मैं आज दूसरा दिन है, कहाँ नगर निगम सरकार आपके द्वार में आज 50-51 वार्ड में हम लोगों ने विभिन्न रोडों का शिलान्यास किया और साथ साथ ही प्रत्येक घर में 4 मास्क एक साबुन का वितरण किया और साथ साथ ही सभी लोगों को ये संदेश दिया कि लॉकडाउन में आप लोग घर से नहीं निकलें, घर में ही रहें और जब कोई महत्वपूर्ण कार्य हो तभी आप बाहर निकलें। इसी के साथ मैं गया नगरवासी को फिर से अपील करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में आप लोग घर पर ही रहें। पर डे का नोटिफिकेशन उसमें हुआ हुआ है, कब कहाँ जाना है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि लॉकडाउन हुआ, कई इम्प्लीमेंट हुआ, कई एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन आज तक कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम नहीं हुआ। एक तरीके इसके और सरल है कि हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य लोग हैं, माननीय मंत्री विधायकगण को भी हम लोगों ने पत्र दिया है कि नगर निगम द्वारा 4 मास्क और साबुन दिए जा रहे हैं अवेयरनेस के लिए। तो अवेयरनेस से यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ धोएं बार बार, अति आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलें, 6 फीट का दूरी रखें। अगर ये काम जनता जागरूक हो जाती है तो 100% आने वाला दिन में हम लोग कोरोना से निजात पाएंगे। पूरे बिहार में लॉकडाउन की परिस्थिति बन गई है, तो ऐसे में आम नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे? पेशेंस रखना होगा। देखिए, पेशेंस रखने के अलावा कोई बात नहीं है। सीधा सीधी मेरा इतना ही संदेश है और यही साफ सुथरा स्पष्ट है और यही सच भी है। बहुत जरूरी हो तो घर से निकले। फैलाव शहर में कितना कहाँ हो रहा है, सबसे संपर्क में है, फोन में है, अच्छे एक से एक लोग संक्रमित हो रहे हैं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्य रूप से पहनें। थोड़ा सा गर्मी उर्मी या इस तरह का महसूस होता है, लेकिन हम सब लोग हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें और गाइडलाइन का पालन करें। प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को भी वो पालन करें और यदि इन चीज़ों को पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर कोरोना जो है हम लोगों को निजात पाएं। दूसरा, कि अगर इसी तरह से आपस में टच एक दूसरे से होते रहेगा, लोग भीड़ भाड़ में चलता रहेगा लोग और मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोरोना के जो वायरस है कोविड-19 का, वो प्रवेश करने का रास्ता नाक मुंह है। इसको हम अगर ढक के रखते हैं, सेफ रखते हैं, कवर्ड रखते हैं, तो वो कीटाणु हाथ पर है, नहा लिए, साबुन से धो लिए, कपड़ा खोल दिए, अलग रख दिए, तो हम सुरक्षित रहेंगे। बहुत साफ सी बात, इसमें सबको सहयोग अवेयरनेस से ही संभव है। और सिविक सेंस अगर नागरिक, आम लोग, सम्मानित लोग से अनुरोध करते फिर रहे हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, मास्क दिया जा रहा है और फाइन किए जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि उनको प्रताड़ित किया जाए, इसलिए कि आदत बने और इसको आवश्यक समझे। इतना समय लगा इसलिए कि नया चीज़ था जीवन में, कोई 60 साल, कोई 65 साल, कोई 70 साल, कोई 45 साल के लोग हैं, तो उनको एडॉप्ट करने में, नया चीज़ में समय लगा। ये घर घर अवेयरनेस माइकिंग कर रहे हैं, सब लोगों को बता रहे हैं और आज हमने एक अच्छी चीज़ देखा कि मानपुर में 2 दिन से अभियान चल रहा है। आज जब हम लोग घूम रहे थे रोड पर या गली में, तो 98% मास्क का उपयोग हमने देखा
और इस तरह से अगर 100% लोग क्योर कर लेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना से निजात पा लेंगे।